प्रिय भक्तों हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित सच्ची कथाएं। कथा का शीर्षक है एक गो सेवक की आश्चर्यजनक मृत्यु। यानी जैसे कि हम गाय की सेवा करते हैं तो हमारे पास कुछ जैसे शक्तियां आ जाती हैं, ये तो उसी तरह से इस कथा में आपको सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये सच्ची कथाएं हैं और हमको भी प्रेरणा मिलती है कि हमें गाय माता की सेवा करनी चाहिए। बात बहुत पुरानी की है। वर्तमान पाकिस्तान के भावलपुर रियासत के पास एक गांव था डूंगा बूंगा। इसमें हेमू बिश्नोई नाम का एक आदमी रहता था। वह मूलतः उस समय के संयुक्त पंजाब के हिसार जिले के एक गांव का रहने वाला था और वहां अपनी बहन की ससुराल में रहता था। बहुत प्रयत्न करने पर भी उसने शादी के लिए हाँ नहीं भरी और वह अपनी बहन की गायों की देखभाल करता था, मतलब गायों की सेवा करते थे। और वह सुबह जल्दी उठते थे, बैलों को चारा डालते गाय को, फिर सभी गायों को चारा डालकर उनका दूध निकालते। उन गायों की सेवा में बड़ा आनंद आता था। जब कभी उसे घर के दूसरे पशु भैंस घोड़ी आदि को चारा डालने को कहता तो तुरंत ही जवाब देता था कि इनका चारा आप ही डालें, मैं तो केवल गायों की ही सेवा करूँगा। वह अनपढ़ होने के कारण न तो कोई सास जानता था, न उसे कभी नित्याधिक कर्म के लिए ही समय मिल पाता था। वो इतने प्रसन्न रहते थे, गौ सेवा में मस्त रहते थे। समय बदला और हेमू बिश्नोई की उम्र अब 60 वर्ष की हो गई। एक दिन उसने अपनी बहन के बेटे से कहा कि बेटा नाई बुलवा दो, मैं अपने बाल कटवा लूँ क्योंकि कल एकादशी है और अब मैं संसार से कल विदा लूँगा। दिन में ठीक 11:30 बजे प्राण त्यागूंगा। गर्मी की वजह से दोपहर में तुम्हें अंतिम क्रिया के समय कष्ट तो होगा पर मुझे क्षमा करना। उसकी बहन के बेटे ने कहा, मामा जी ये आप क्या बोल रहे हो, अभी तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपको ऐसी अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए। इस पर हेमू बोला, नहीं बेटा अब मैं नहीं रुक सकता हूँ और हाँ मेरी मृत्यु के 4 दिन बाद पूर्णिमा के दिन बहुत जोर की बरसात आएगी। गांव के सभी तालाब पानी से भर जाएंगे, खेतों में घास भी खूब होगी, गायों को आनंद हो जाएगा और जिस दिन बरसात होगी उसी दिन शाम को गांव के तालाब के पास जो कुआं है वहां एक ज्योति प्रकट होगी। उस ज्योति को देखकर समझ लेना कि तुम्हारा मामा सीधा गोलोक धाम में यानी कृष्ण भगवान के पास गए हैं, ये सभी बातें सत्य निकली। मतलब जैसे उनके मामा ठीक दूसरे दिन 11:30 बजे दोपहर में ख़त्म हुए, फिर चौथे दिन पानी बरसा, कुएं में पानी भर गया। जब जैसा कि उनके मामा ने बोला था तो उस कुएं के पास गए तो एक दिव्य ज्योति निकली। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि ये सीधे भगवान कृष्ण के धाम में गए हैं। गांव वालों ने इस आश्चर्यजनक घटना को प्रत्यक्ष देखा। उस गौ सेवक हेमू बिश्नोई के जीवन के चमत्कार की चर्चा आज भी लोग करते हैं। ये भक्तों कैसे हुआ, ये हुआ गाय की सेवा करने से, क्योंकि उन्होंने जो गौ सेवा करी थी वो बड़े हृदय से और बड़े मन से करी थी, क्योंकि उन्हें कोई चीज़ अनपढ़ थे, पढ़ना तो आता नहीं था, जैसे हम लोग रामायण पढ़ते हैं गीता पढ़ते हैं। तो उन्होंने अब देखिए गाय की सेवा करने से एक बात हम बताएं कि कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। गाय को हमारी माता, हम सभी लोग जानते हैं गाय माता होती है, तो कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो सीधे कृष्ण धाम यानी गोलोक धाम को गए। भक्तों ये सत्य कथाएँ, ऐसी सत्य कथाएँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।